हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसर। तो मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड जो मेरे यहाँ से लॉन्ड्री बिजनेस की ट्रेनिंग जिन्होंने ली है, एक बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, एक बड़ा शहर है वहाँ के है वो। मैं वो शहर का नाम नहीं बताऊँगा, जिस लॉन्ड्री में ये साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग हो गई है वो भी नहीं बताऊँगा, लेकिन एक स्टोरी है छोटी सी, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा सब्सक्राइबर फ्रेंड जो मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया है, उसका लॉन्ड्री बिजनेस शुरू है, लेकिन उसको तबीयत उनकी बिगड़ गई। उनको स्टोन का जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ उन्हें हुई, और उसके बाद में ये जो पैठनी, ऐसी चार साड़ियाँ थी उनके पास जो कस्टमर्स को देनी थी उनको अर्जेंट, और उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण उन्होंने वो साड़ियाँ उनके ही शहर के एक बड़ी सी लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग के लिए दी, पेट्रोल वॉश करने के लिए दिया। एक साड़ी का 250 रुपीज़ तक चार्ज उन लॉन्ड्री वालों ने किया। ये लाल कलर की साड़ी है, इसमें काफ़ी ऐसे स्टार्स के स्टेन इन साड़ियों में आ गए थे। प्रॉपर वॉश नहीं हुई है, पानी में वॉश कर दी गई है, और उसके बाद में पानी और डिटर्जेंट से वॉश हो गई है, सारी साड़ी श्रिंक हो गई है, और उसके बाद में उसको रोल प्रेस में बहुत ही ज़्यादा स्टार्च यानी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करने के चक्कर में साड़ी का जो ओरिजिनल कलर था, शाइन था, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ है। कैमरा इस स्टेन को जज नहीं कर पा रहा है, अच्छे से नहीं दिखा रहा है, लेकिन इतनी दूर से ये साड़ियाँ मेरे पास आई थी तो सिर्फ इसीलिए कि मैं इनको पहले जैसी एज इट इज़ कंडीशन में ला पाऊँ, क्योंकि कस्टमर्स ने ये साड़ियाँ रिजेक्ट कर दी थी, ये साड़ियाँ हमारी ख़राब कर दी है। और मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने वो लॉन्ड्री वालों को भी कहा कि ये साड़ियाँ ख़राब हो गई, उन्होंने कहा कि काम ये ऐसा ही होता है, लॉन्ड्री बिजनेस में ऐसा ही काम होता है और हम ऐसे ही करते हैं। और उनका बहुत बड़ा नाम है उस शहर में, जो एक एक्स वाई जेड एक शहर है वहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा नाम है उन लॉन्ड्री वालों का, लेकिन उनका काम बहुत ही थर्ड क्लास दर्जे का काम है। और उसके बाद में वो पेट्रोलियम केमिकल के अगर पैसे ले रहे हैं तो वो साड़ियों को सिर्फ नॉर्मल वाटर डिटर्जेंट में वॉश करके दे रहे हैं, और उसको रोल प्रेस भी सही से नहीं हो रही है। अभी ये स्टोरी हो गई कंप्लीट, उसके बाद में वो फ्रेंड यहाँ पे आए, काफ़ी ज़्यादा उनका ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, और उन्होंने पहले लॉन्ड्री वालों को पैसे दिया था, उसके बाद में मेरे पास ड्राई क्लीनिंग के लिए लेके आए, तो मैंने ये साड़ियाँ इस तरह से इनको अच्छे से ड्राई क्लीनिंग करके दी हैं। तो फ्रेंड्स, ये यही छोटी सी बात है, हर साड़ी को आप एक जैसी ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक एक साड़ी 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की प्योर ओरिजिनल पैठनी साड़ी है, इसीलिए मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ। सिर्फ वीडियोस देख के कुछ लोग कहते हैं कि हमें केमिकल का नाम बता दो और हम लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। अगर ये इतनी बड़ी लॉन्ड्री अगर इतनी मिस्टेक कर सकती है, जितना आप मन लगा के काम करोगे आपके एम्प्लॉयज़ करेंगे, ये बात झूठी है फ्रेंड्स। तो अगर आपने अगर पेट्रोल वॉश के लिए काम लिया है तो आपको पेट्रोल वॉश ही करके देना चाहिए, ये मेरा कहना है। कस्टमर्स के साथ में आप चीटिंग करोगे, तो अभी इनके जो कस्टमर थे इनको पता था कि ड्राई क्लीनिंग करने के बाद में साड़ियाँ किस तरह से होती हैं, और जो नॉर्मल वॉश कस्टमर्स को डिफरेंस पता चलता है, साड़ियों के फिनिशिंग में डिफरेंस कस्टमर को पता चलता है। और 150 साड़ियाँ देखने के बाद में कस्टमर्स ने इन साड़ियों को चॉइस किया होता है, जो भी साड़ियों के शॉप में जाते हैं ना, 50 साड़ियाँ देखते हैं, उससे उसके बाद में एक साड़ी उनके दिल को छू जाती है, तब वो साड़ी ये बाय करते हैं। और ऐसे में अगर आप चीटिंग करोगे, पेट्रोल वॉश करने का बोलोगे और फिर उसको मैनुअल वॉश करके अगर दे दोगे, ठीक से रोल प्रेस और फिनिशिंग नहीं करोगे, तो कस्टमर गुस्सा भी होगा आपसे, कस्टमर भी जाएगा और आपसे अपना बिजनेस भी जाएगा और नाम खराब होगा, वो एक अलग बात है। बस मैं ये इतना ही है कि मेरे जैसा ही उनका भी लॉन्ड्री बिजनेस है, इसीलिए मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। और मेरे फ्रेंड ने जो मेरा सब्सक्राइबर फ्रेंड ने यहाँ पे साड़ियाँ लाई और वो सेटिस्फाइड हो गए कि चलो अच्छा है, अभी कस्टमर्स को हम ये साड़ियाँ वापस दे सकते हैं, नहीं तो ये साड़ी एक एक साड़ी 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मिस्टेक नहीं चलेगा लॉन्ड्री बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो। फ्रेंड्स, ये वीडियो यही तक थी। किसी कारण से भी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना,
चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद फ्रेंड्स।